नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी या आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 2011 और 12 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे 2013 का, 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर आईएएस का। ठीक है, याद रखना ये टेस्ट बुकलेट सीरीज ये है। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें 2 घंटे का समय मिलता है और 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 नंबर के। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का। याद रखिए, जितने भी हम लोग आईएएस से संबंधित चैप्टर टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं वो आईएएस प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो याद रखना, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, एक का क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो याद रखिए, इसमें तीसरा कथन सही होगा। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। दूसरे का सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इसमें भौगोलिक लक्षण दिए गए हैं और फिर प्रदेश, तो याद रखिए इनमें सही सम्मिलित ढूंढना है हमें। तो याद रखिए, तीसरे का होगा बी, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, तीसरे का क्या होगा, बी। फिर है चौथा क्वेश्चन नंबर, फोर्थ, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वाधामी की गुफाएं भारत के प्राचीन अवशिष्ट शैल कृत गुफाएं। दूसरा है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई। तीसरा है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, फोर्थ नंबर का होगा सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर का सी है। चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन, केवल तीन, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई हैं। कथन तीन सही है। क्वेश्चन नंबर पांच है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला कथन है, पौधों की विभिन्न जातियों में। दूसरा है, जंतुओं से पौधों में। तीसरा है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। निम्नलिखित दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना, पांच में डी होगा, तीनों सही है। ठीक, पांच का क्वेश्चन नंबर पांच का डी है। क्वेश्चन नंबर छ, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग हेनसांग तेसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा कथन है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति के निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा कथन है, व्यापारियों को 9 घंटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर चुनना है हमें। तो याद रखना, छठवे का बी ऑप्शन है। छठवे का क्या है, क्वेश्चन नंबर छः का बी ऑप्शन है। दो और तीन कथन इसमें सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं इसमें? दो और तीन। ठीक है, याद रखना, छः का बी है। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर, उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाती हैं? तो याद रखना है, सात का होगा ए।
एक दो तीन, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, एक दो और तीन, ठीक है, याद रखिए ए ऑप्शन सही होगा, सात का ए। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फ्लोराइड, फार्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आठ में सी होगा, आठ में क्या होगा सी, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, ठीक है, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर नौ, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, नौ का सी है। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं, तो याद रखिए दस का होगा हमारा बी ऑप्शन, एक और तीन, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पहला कथन है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, दूसरा है यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए 11 का होगा हमारा डी, ना तो एक कथन सही ना ही दो, ठीक है, 11 का डी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी पहला है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दूसरा है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना है आपको 12 का होगा सी हमारा, 12 का क्या, एक दो तीन, 12 का सी होगा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, एक दो तीन कथन सही होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, शर्करा उद्योग के उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है खोई को ऊर्जा उत्पादन के जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, दूसरा है श्रेय को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, तीसरा है श्रेय को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 13 का होगा सी, 13 का क्या होगा सी, एक और तीन, एक और तीन, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक, सी ऑप्शन है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय की विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है, तो याद रखना 14 का पृथ्वी का नत अक्षर पर परिक्रमण, डी ऑप्शन होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, यह भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो याद रखना 15 का ए होगा, केवल एक सही है, ठीक है, यह रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है, ठीक, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ छत्तक और हिमनद के रूप में रहता है, शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग है, याद रखना 16 का सी, भूमिगत जल के रूप में, ठीक है, 16 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित योगों पर विचार कीजिए। पहला है नोक्रेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियाँ, दूसरा है लोकटक या लोकटक झील बरेल क्षेत्र, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियाँ। निम्न उपयुक्त युगमों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो याद रखना 17 का होगा हमारा ये ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन के लाने के लिए जिम्मेदार हैं? तो याद रखना 18 का होगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी। ठीक है, 18 का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है प्रयोग कर। तो याद रखना 19 का डी होगा, तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का और क्षेत्रीय परिषदों का। ठीक है, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो याद रखना है आपको 20 का ए, जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना, ए ऑप्शन है 20 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो याद रखना 21 का डी होगा, बिना किसी राज्य की सहमति से, डी ऑप्शन सही है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों की प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो याद रखना 22 का होगा सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। 22 का क्या होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो याद रखना 23 का सी होगा, मैंगो, घास स्थल, झील, महासागर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? तो याद रखना 24 का होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, नदी प्रवाहों के सत्तीकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, अपतरण की बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं है, 24 का डी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो याद रखिए 25 का क्या होगा सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता क्षेत्रों का निर्माण, ये नहीं है, स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त बनाना, ये उद्देश्य है। ठीक है, सी ऑप्शन है इसमें, 25 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो आपको याद रखना है ग्राम सभा, 26 का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है जिन्हें आफ्लोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। आफ्लाटॉक्सिन
किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो याद रखना है 27 का होगा सी, फफूंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो याद रखिए 28 का बी, उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 29 का होगा बी, 29 का क्या होगा बी। एक दो, 29 का होगा हमारा बी, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, फिर पारद, फिर सीसा। ठीक है, याद रखना है आपको 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें डी ऑप्शन होगा 30 में। क्वेश्चन नंबर 31, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निर्देशन करती है। तीसरा ये हो गया, उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो याद रखिए 31 का होगा हमारा ए ऑप्शन, केवल एक, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होता है। याद रखिए 31 का ए है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान से होकर बहने वाली नदियां, तो इसमें होगा 32 में हमारा क्या होगा डी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो याद रखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी, तीनों गलत हैं। ठीक है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सही युग्म है? कोई नहीं, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 32 का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस नॉनस्टॉक, स्पाइरो गाइरा, उपयुक्त में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना 33 का होगा बी, केवल दो, नॉनस्टॉक, 33 का बी है, 33 नंबर का बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? पहला है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, दूसरा है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, तीसरा है वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 34 में होगा हमारा, 34 में सी, 34 में क्या होगा सी, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, फिर वनस्पति की मृत्यु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 35 का ए होगा, 1, 2, 3, कौन कौन से, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कुछ शैल के बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? तो याद रखना 36 का होगा हमारा बी, चैत पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से
कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ए ऑप्शन होगा 37 का, 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो याद रखना, राज्य की नीति के निदेशक, 38 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो याद रखना है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सी ऑप्शन है 39 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? तो याद रखना है आपको, किप्स प्रस्ताव की, बी ऑप्शन सही है 40 का, 40 का क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो आपको याद रखना है 41 का होगा हमारा ए। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्य एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, ए ऑप्शन होगा 41 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 42 में होगा डी, चारों, ठीक है। 42 का क्या होगा डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, बैंक दर में वृद्धि सामान्यता इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें डी ऑप्शन होगा 43 में डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो याद रखना 44 का होगा ए ऑप्शन, आर्थिक विकास के लिए, 44 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का उपयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही कथन चुनना है। तो याद रखना 45 का होगा बी, केवल दो, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। 45 का बी होगा ऑप्शन, केवल दो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? चिकनगुनिया, यकृत शोथ बी, एचआईवी एड्स। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 46 का हमारा होगा बी, केवल दो और तीन, यकृत शोथ बी और एचआईवी एड्स, ठीक है, 46 का बी है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला है, कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनना है। तो याद रखिए 47 का क्या होगा हमारा डी, 47 का होगा डी, एक दो तीन, तीनों सही है, ठीक है, क्या होगा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन है? तो याद रखना है 48 का बी, पारिस्थितिकी कर्मकता। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो याद रखना 49 का होगा
एन ए टू ओ टू ओ सॉरी ओ थ्री तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो 49 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिए 50 का होगा डी। 50 का क्या होगा? डी। 1, 2, 3 तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, लोहे की, सोडियम की। ठीक है, 50 का डी है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार, दूसरा, सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है 51 का होगा हमारा बी, केवल 2, 3 सरकार की विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो याद रखना 52 का बी होगा, केवल 2, गुरु नानक जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 53 में होगा हमारा बी ऑप्शन, केवल दो तीन कवक और जीवाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होगा 54। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। 54 का क्या होगा? सी। ठीक है, 54 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वन की अद्वितीय विशेषताएं हैं? पहली है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट नियंत्रण वितान बनाते हों। दूसरा है बहुत सी जातियां का सह अस्तित्व हो। तीसरा है अधिपादकों की असंख्य किस्मों की विधान विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 55 का होगा डी, 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, 55 का डी है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना है? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी पेशित धन, पोर्टफोलियो निवेश। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 56 का होगा, 56 का बी होगा, 1, 2, 4 विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में कौन से भीति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो याद रखना 57 का बी होगा, केवल 1, 2 अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। ठीक, 57 का बी है। क्वेश्चन नंबर 58 भारत में दार्शनिक विस्तार के विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारण। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो याद रखना 58 का हमारा होगा बी, केवल 2 सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। 58 का बी है। क्वेश्चन नंबर 59
भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास पद रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 59 का ए होगा, केवल 1-2। ठीक, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60। महाद्वीपों के अंतरस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? पहला है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा है महाद्वीपीय महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। तीसरा है अंतरस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता। चौथा है तटों की अपेक्षा अंतरस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 60 का होगा ए, केवल 1। कौन सा? केवल 1, भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संलग्न तापमान। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है तो 61 का होगा ए, केवल 1-2। उच्च भस्म और निम्न सल्फर अंश। ठीक, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की लेटेराइड मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे साधारण लाल रंग की होती हैं। दूसरा है वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। तीसरा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। चौथा है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है तो 62 का होगा सी, 1 और 4। 62 का क्या होगा? सी, भी साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तनों में पाई जाती है। दूसरा, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है? तो याद रखिए 63 का होगा हमारा बी, केवल 2 कथन सही है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, 63 का बी है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो 64 याद रखिए सी, 1, 2, 3, कपास, मूंगफली और धान। ठीक, कौन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा इसमें, कपास, मूंगफली, धान। ठीक, 64 का सी। क्वेश्चन नंबर 65, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? तो याद रखिए 65 का होगा बी, मध्य एशियाई स्टेप। 65 का क्या होगा? बी, 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रा स्फीति रेडियो को लाभ पहुंचाती है। मुद्रा स्फीति ब्रांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 66 का हमारा, 66 का होगा ए, केवल 1, मुद्रा स्फीति रेडियो को ना लाभ पहुंचाती है, ए ऑप्शन है 66 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, विच्छिन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। विच्छिन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है, सी ऑप्शन है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती होगी। दूसरा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पिसाद पर्यंत पद धारण करेंगे।
तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का बी होगा। 2 और 3, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। दूसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो 68 का बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संबंधित सूची में रखा गया है। तीसरा है भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय योजना बनाने का कारोबार दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 69 का होगा बी। 69 का क्या होगा? बी, आर्थिक सामाजिक योजना को भारत के संविधान की संबंधित सूची में रखा गया। तीसरा है भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कारोबार दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा का सभापति अथवा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा है जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदन सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 70 का होगा बी, केवल दो 70 का बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदनों को सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। केवल दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का देख लिया बी। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का होगा सी, 1 और 2। 71 का क्या होगा? सी। ठीक है, दोनों सही है कथन इसमें। ठीक है, दोनों कथन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? पहला है आकाश में कपासी वर्षी मेघों के मिलने से। दूसरा है तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। तीसरा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर गतिब चलन से। नीचे दिए गए पुट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 72 का डी होगा, उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए 72 का हमारा डी है। 72 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जनजाति हैं, ये राज्य हैं। तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो सही जन सुमलित देखना है हमें। तो 73 में हमारा ये होगा केवल 1 और 3, लिंबू सिक्किम में और डोंगरिया क्रोल उड़ीसा में। ठीक, 1 और 3 सही है इसमें। ठीक, ये ऑप्शन है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। पहला, बैंकों के पास मांग जमा। दूसरा, बैंकों के पास सावधिक जमा। तीसरा, बैंकों के पास बचत जमा। चौथा है करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम चुनना है। तो याद रखना 74 का हमारा डी होगा। 74 का क्या होगा? डी, 4-1-3-2-3-2-4-1-4-1 में करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर है बैंकों के पास बचत जमा, फिर है बैंकों के पास सावधिक जमा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय
अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? तो 75 का सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। सी ऑप्शन है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो याद रखना है उपयुक्त सभी, कृषि, लघु एवं छोटे उद्योग और दुर्लभ वर्ग को। ठीक है, क्षेत्र का डी है। क्वेश्चन नंबर 77। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो याद रखिए ताप शक्ति। 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78। जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो याद रखिए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। 78 का ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है इसमें 78 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्यकला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो याद रखना 79 का ए होगा, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा पर बक्की की जाती है। तो 79 का ए है। क्वेश्चन नंबर 80। एनी बेसेंट पहला कथन है होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 80 का होगा हमारा सी, 80 का सी, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रही। ठीक है, एक और तीन कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81। हिल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो याद रखिए यूरोप के लोगों के मामलों में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। सी ऑप्शन है 81 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? पहला है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, दूसरा है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, तीसरा है प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 82 का हमारा डी होगा, 1, 2, 3, तीनों, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। याद रखिए 82 का डी है। ठीक है, 82 का डी है। क्वेश्चन नंबर 83। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? तो याद रखना 83 में होगा हमारा बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR है। ठीक है, 83 में क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो इसमें बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन। डी ऑप्शन सही है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो याद रखिए ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या है 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। सी ऑप्शन है 86 सी। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित भारतीयों में प्राणी जात पर विचार कीजिए, घड़ियाल, चरम पीट कुरुम, अनूप मृग, उपयुक्त में से कौन से संकटपन्न हैं? तो याद रखना 87 में 1, 2, 3 तीनों हैं। ठीक है, 87 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 88। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि
पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभाव क्षेत्र घट जाता है। 88 का सी क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है गोधूली में सूर्य का अमाप ऊष्मा, दूसरा है ऊषा काल में सूर्य का रंग, तीसरा है ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना, चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना, पांचवा है आकाश में धूप तारों का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो याद रखना 89 का होगा सी। 1, 2, 4 89 का क्या होगा? 89 का सी। 1 गोधूली में सूर्य का अमाप, दूसरा है ऊषा काल में सूर्य का रंग, और फिर होगा आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक है 89 का सी। 90 क्वेश्चन नंबर 90। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 90 का डी होगा, तीनों। ठीक है, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। 91 कई पितिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि पितिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इसमें सी ऑप्शन होगा 91 में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 92। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ठीक, तो 92 का सी है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते। दूसरा है विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा है विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 93 का होगा ए। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ए ऑप्शन सही है इसमें। 93 में ए ऑप्शन सही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 94। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से पर्ण रूपांतरित होता है। पहला है कठोर और मौमी पर्ण, दूसरा है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, तीसरा है पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 94 में होगा डी, तीनों। ठीक है 94 में डी है। क्वेश्चन नंबर 95। प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, याद रखिए सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें 95 में होगा गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये सही नहीं है। ठीक, और सही कौन कौन से हैं? तो याद रखिए 95 में ये ऑप्शन होगा, लेकिन सही कौन कौन से हैं? विद्युत चुम्बकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर किया करती हैं, ये भी सही है। दुर्लभ नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, फिर डी है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित करता है, ये भी सही है। 95 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96। निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? पहला है कथन इसमें, यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। दूसरा, यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा है, यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 96 में होगा ए ऑप्शन, केवल एक। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ठीक है 96 का ए है। क्वेश्चन नंबर 97। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवक मूल के पौधे
द्वारा पौधों में, पहला सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। दूसरा पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 97 का होगा डी, 97 का क्या होगा डी, तीनों ठीक है, 97 का डी होगा, तीनों सही होंगे इसमें, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मंत्री। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 98 में होगा बी, एक प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और तीसरा चौथा राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें क्या होगा, 98 में बी होगा, 1, 3 और 4 ठीक, 98 में बी। क्वेश्चन नंबर 99, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। डी ऑप्शन है 99 का। क्वेश्चन नंबर 100, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, तीसरा है भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 100 में होगा सी, 1 और 3, कौन सा सी ऑप्शन 100 में सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक ठीक। याद रखिए ये थे हमारे यूपीएससी आईएएस 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 का पेपर फर्स्ट। याद रखिए मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि सही आंसर बताए जाएं। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, आपको लगता है इसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिखें और थोड़ा डिटेल के साथ, जिससे पता चल सके और बच्चों को ठीक है। याद रखिए इतना।